नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस सेक्टर के जो लीडिंग शेयर है उसके बारे में। गैस सेक्टर के कौन से स्टॉक में आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो करेक्शन वाले मार्केट है इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसके स्टॉक में भारी गिरावट देखा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि वेसन सेक्टर, उसमें भारी गिरावट आ रहा है, और आपको जो रियलिटी सेक्टर है, उसके बाद जो एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स में भी जो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उन्होंने बताया है कि भारी गिरावट हो सकती है। एशियन पेंट में 1800 से 1500 पे आ चुका है और उसमें 1100 तक का लेवल दे चुका है बड़े बड़े ब्रोकर ने। तो ऐसे में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे किस सेक्टर के किस स्टॉक में हम बाइंग करें। तो जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि जो आप आईटी सेक्टर है बहुत ही कम वो प्रभावित होगा, गैस सेक्टर है बहुत ही कम प्रभावित होगा, क्योंकि हमें तो डेली यूज करना ही गैस सेक्टर जो खाना बनाना है उसमें। लेकिन व्हीकल्स जो है उसमें जो हम यूज करते हैं सीएनजी का प्रयोग करते हैं वो कम हो चुका है, तो थोड़ा प्रभावित होंगे लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होगा इसका कारोबार। तो वैसे ही सेक्टर चुनना है जिसका कारोबार पूरी तरह से बंद नहीं हो इस लॉकडाउन में। तो वैसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गैस सेक्टर में आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सके। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देखकर आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। और अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, और मात्र 2 मिनट में खोल करके आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप जो शेयर चूज करेंगे वो ऐसे शेयर होना चाहिए जिसका डिमांड हर दिन बना रहे, हर समय बना रहे, हर परिस्थितियों में बना रहे। तो वैसे में हम आज जो है गैस सेक्टर के 2 स्टॉक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये 2 स्टॉक ही आपको गैस सेक्टर से बाइंग करनी चाहिए। तो पहला हमारा स्टॉक है वो है महानगर गैस। दोस्तों महानगर गैस जो गैस सेक्टर है उसका बहुत अच्छा शेयर है। तो इसका देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड भी 2.20% है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई है 1246 रुपीज़, और अभी आपको मिल रहा है 910 रुपीज़। तो अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है, 300 से भी अधिक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न देख लीजिए, 1 डे आज ये 9 रुपीज़, मतलब कहीं 9 पॉइंट अप है। 5 डे का रिटर्न देख लेंगे तो 5 डे में देख सकते हैं फ्लैट रहा है। उसी तरह 1 मंथ में आप रिटर्न देख सकते हैं बहुत ही डाउन मिल रहा है, 1 मंथ में बहुत ही करेक्शन देखने मिला है, 6 मंथ में और ज़्यादा करेक्शन है। उसी तरह 1 ईयर में आप देख सकते हैं इसका रिटर्न, 1 ईयर में भी रिटर्न फ्लैट रहा है क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है उसके कारण बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। और 5 ईयर्स में देख सकते हैं यहाँ से, तो 5 ईयर्स में कुल रिटर्न दिया है 89% का। तो देख सकते हैं 5 ईयर्स में कुल रिटर्न है 79। तो 5 ईयर्स में यहाँ से रिटर्न देख सकते हैं कुल रिटर्न है 74% या कहे 79%। तो कुछ इस तरह का रिटर्न रहा है 5 ईयर्स में, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना है 79%, मतलब 80% के अप्रॉक्स। तो उसके बाद मैक्सिमम ईयर, तो ये नया लिस्टिंग है 2017 का ही लिस्टिंग है, तो अभी बहुत सारे परफॉर्मेंस इसके हमको देखने हैं। तो महानगर गैस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो महानगर गैस देख सकते हैं कि इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लार्जेस्ट कंपनी में से एक है। कह रहा है महानगर गैस इज द सोल ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस। जो कंप्रेस नेचुरल गैस है देख सकते हैं उसका ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो पाइप लाइन नेचुरल गैस है, जो पाइप नेचुरल गैस है उसका और जो सीएनजी है उसका, दोनों का ये जो है ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। कहाँ पे? मुंबई में और इसके आसपास के रीजन में। तो महाराष्ट्र के जो मुंबई है और इसके आसपास के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये एक ऑथराइज डीलर है सीएनजी गैस का और पीएनजी गैस का। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सेल्स का। तो चलिए हम फाइनेंशियल पर जाते हैं इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसके फाइनेंशियल पर आ चुके हैं। तो इसके नेट सेल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेट सेल्स इसका जो हमारा दिसंबर क्वार्टर है, ये जो क्वार्टर है अभी आया नहीं है रिजल्ट, जैसे फोर्थ क्वार्टर का आता है तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं 819 करोड़ दिसंबर क्वार्टर का सेल्स था, जो कि पिछले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा था, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ हुआ था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस करें उसमें भी ग्रोथ हुआ था। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिक्रीज हुआ है,
बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज देखने मिला है, जबकि सेल्स इंक्रीज हुआ था। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उसमें बहुत ही इंक्रीज हुआ है। तो कुछ इस तरह का है, कंपनी का जो नेट सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो यहाँ पर डिक्रीज हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज देखने मिला था। उससे सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि देखते कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, कंपनी पर कोई भी डेप्ट नहीं है। तो टोटल एसर्ट देखते हैं, कंपनी के पास टोटल एसर्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। देखते हैं पिछले साल की तुलना में जो हमारा है टोटल एसर्ट 19 में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। जैसे 20 का हमारा रिजल्ट आता है तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि नेट सेल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो आपने देखा कि इसका जो मेन बिजनेस है वो महाराष्ट्र में है, और बहुत सारे इसके ऑथराइज्ड इसके सेल्स होते हैं, ऑथराइज सेंटर बने हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा कंपनी का बिजनेस है और बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ देखने आगे मिल सकती है। इसका जो अभी आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में और साथ साथ अलग अलग स्टेट में भी इसका जो है फैलाव हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी डेवलपमेंट बाकी है। इस बिजनेस में आगे बहुत ही ग्रोथ है। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो गैस सेक्टर से, वो है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। दोस्तों इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड देख सकते हैं, ये जो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, आप वन डे का रिटर्न देख सकते हैं। आज ये 16 पॉइंट डाउन रहा है, 5 डेज में देख लेंगे तो 5 डेज में ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट रहा है, 1 मंथ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। वहीं 1 ईयर में बात करें तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं 1 ईयर का रिटर्न कितना है हमारा 60%। तो जहां देख सकते हैं कि सारे के सारे स्टॉक्स आपको 60% नेगेटिव रिटर्न, मतलब 60% का करेक्शन देखने मिला है, तो वहीं ये 60% का रिटर्न दे रहा है 1 ईयर में। वहीं आप 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में देखते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, 510%, 5 ईयर्स में 510%। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक में से है। और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो कितना अट्रैक्टिव चार्ट है देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है ये। तो जैसे करेक्शन वाले मार्केट में आपको नीचे के प्राइस पर मिलता है तो निश्चित है इस ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.50% है, तो डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है। और ये जो 52 भी खाए है 495, अभी इसमें करेक्शन होने दें क्योंकि इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 52 भी हाई के आसपास ही है, तो थोड़ा सा करेक्शन का आप वेट कर सकते हैं, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें वेट करें। इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट जो है देख सकते हैं कि द कंपनी सप्लाइज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सीएनजी बेचता है ये, पीएनजी बेचता है, डिस्ट्रिक को भी, इंडस्ट्रियल को भी, कॉमर्शियल सेक्टर को भी, सारे के सारे को दिल्ली में, और जो एनसीआर है मतलब जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें ये पीएनजी को बेचता है। तो इससे देख सकते हैं कि जो हमारा सीएनजी होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, पीएनजी भी बेचता है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सेक्टर में। और इसमें ग्रोथ की बात करें तो इसमें आगे बहुत ही ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि अभी जो हमारा है ये मात्र दिल्ली और एनसीआर में ही है, धीरे धीरे ये यूपी में भी फैल रहा है, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी अपना प्लांट धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो समझ सकते हैं इसमें इस सेक्टर में अभी बहुत ही ग्रोथ की संभावना है। धीरे धीरे जैसे अर्बन एरिया कवर होता है तो फिर विलेज एरिया को भी कवर करना है, इसमें बहुत अभी ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है आगे। तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप उसको, आपको हम इसका फाइनेंशियल दिखाते हैं, और जो कंपनी है बिल्कुल डेप्ट फ्री है। तो आइए यहाँ पर हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेट सेल्स कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। तो नेट सेल्स देख सकते हैं कि 1,664 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में था 2019 के, और सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं उससे थोड़ा डिक्रीज हुआ था नेट सेल्स। नेट सेल्स में थोड़ा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है। देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो कंपनी का जो नेट सेल्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुआ है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें, 283 करोड़ नेट प्रॉफिट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस करें तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं कितना का जंप हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जंप हुआ है नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करें तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं बहुत ही डिक्लाइन हुआ है, मतलब जो
पिछले सितंबर क्वार्टर था 380 करोड़ था, तो वहीं हमारा दिसंबर क्वार्टर में मात्र 283 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस महानगर गैस का भी प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही ज़्यादा जंप किया है जो प्रॉफिट है हमारा कंपनी का। तो देख सकते हैं जैसे 2020 का रिजल्ट आता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो और सबसे जो पॉजिटिव साइन है, कंपनियाँ देख सकते हैं बिल्कुल डेप्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, तो कंपनियाँ बिल्कुल डेप्ट फ्री है और कंपनी का लगातार प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस आपने देखा प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, और एसेट देखिएगा तो एसेट क्वालिटी भी लगातार इंक्रीज हुआ है। देख सकते हैं एसेट क्वालिटी भी 3500 करोड़ से चला गया 4100 करोड़ पर, तो लगातार एसेट क्वालिटी भी इंक्रीज किया है और प्रॉफिट भी कंपनी इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। तो ये सारे आपने देखा पैरामीटर्स, और लॉन्ग टर्म में आपने चार्ट भी देखा कि कंपनियां जो है लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा परफॉर्म किए, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। और अब बात कर लेते हैं हम तीसरा जो हमारा है वो है गुजरात गैस। दोस्तों गुजरात गैस हम आपको इसलिए रिकमेंडेड नहीं करते हैं क्योंकि इस कंपनियों पर देखिएगा यहां तो बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है, यहां पर देख सकते हैं गुजरात गैस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डेप्ट है। आप देख सकते हैं यहां पर ये हमारा गुजरात गैस लिमिटेड है, देख सकते हैं गुजरात गैस टोटल डेप्ट देख सकते हैं 2000 करोड़ का, तो बहुत ही ज़्यादा का डेप्ट है कंपनी के ऊपर, इसलिए हम आपको गुजरात गैस रिकमेंडेड नहीं करते हैं। लेकिन इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा रिजल्ट देती है, अपने डेप्ट को कम करती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी बात आप अपना खुद का रिसर्च भी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें कि किन कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत नहीं किए हैं तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। तो नीचे जीरोधा का लिंक है, अप स्टॉक्स का लिंक है, वहाँ से जाइए, डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलिए मात्र 2 मिनट में और अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। और जो मार्केट का लीडर है, अभी हमने आपको जो बोला गुजरात गैस को नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है वैसे में आप मार्केट लीडर के साथ ही जाएँ क्योंकि स्टॉक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो हम मार्केट लीडर जो स्टॉक्स है उसी के साथ चलेंगे, वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।